आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली दो मोस्ट पॉपुलर फ्रूट को किस तरीके से हमें स्टोर करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश रह सके। बनानास और बेरीज दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और ये हम सबका फेवरेट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे कि इसे स्टोर करने के क्या क्या तरीके होते हैं और इसके पीछे क्या साइंस होते हैं। तो ये है क्लीनिंग एंड स्टोरेज का सीरीज 3। अगर आपने पहले दो सीरीज नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यूजफुल है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अब तक मम्मा सुपर किड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर आप कभी भी मार्केट से बनानास लेके आए तो आप ट्राई करें कि अगर आपको उसे तुरंत कंज्यूम नहीं करना है तो फुल्ली राइप या फिर जिसमें ब्राउन स्पॉट्स आने स्टार्ट हो गए हैं उसे ना लाए, नहीं तो हमारे बनाना बहुत जल्दी ओवर राइप हो जाएंगे। इसके अलावा आज मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी 3 एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम बनाना को अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा बनाना हमारा लंबे समय तक फ्रेश रहता है। और यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट यूज करूंगी, वो है ग्रीन बैग, और इस बैग का दावा है कि ये हमारे फ्रूट्स को बहुत लंबे समय तक फ्रेश रखने का काम करेगा। तो आज हम इसे भी ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स वाले बनानास ले लिए हैं, और जो हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे वो है क्लिंग रैप वाला मेथड। आप क्लिंग रैप की जगह प्लास्टिक रैप या फिर एल्युमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ क्लिंग रैप, और क्लिंग रैप के हेल्प से मैं सिंगल बनाना के स्टेम को बहुत अच्छे से टाइटली रैप कर रही हूँ। बनाना के स्टेम को रैप करने के पीछे का साइंस ये है कि बनाना से बहुत ज्यादा मात्रा में एथिलीन गैस प्रोड्यूस होता है, और एथिलीन गैस एक प्लांट बेस्ड हार्मोन जैसा ऐड करता है जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बहुत जल्दी राइप कर देता है। इसलिए कभी भी हम बनाना को रैप कर रहे हैं या जो भी कवर कर रहे हैं तो स्पेशली उसके स्टेम को हमें टाइटली कवर करके रखना चाहिए। आपने भी कई बार स्टोर में देखा होगा कि बनाना के स्टेम को वहां भी रैप करके रखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके लिए मैंने सेम बनाना बन से और बनानास तोड़ लिए हैं, और दो बनानास को काउंटर टॉप में मैंने रख दिया है, और जो 3 बनाना है उसे मैंने रखा है ग्रीन बैग में। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन बैग का दावा है कि ये हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को फ्रेश रखने का काम करेगा। तो अब इसे हम 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं, और 5 दिन के बाद देखेंगे इसके कंडीशन। तो यहाँ पे मेरे जो क्लिंक रैप वाले और बिना क्लिंक रैप वाले दोनों बनाना में ब्राउन स्पॉट्स तो आ गए हैं, लेकिन हाँ जो हमारे बिना क्लिंक रैप वाले बनाना थे वो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर राइप हो गए हैं कंपेयर टू क्लिंक रैप वाले। और ओवर राइप होने की वजह से आप देख सकते हैं कि जिसे मैंने रैप नहीं किया था उस बनाना का पिल भी ओपन हो चुका है। आप देखते हैं ग्रीन बैग बनानास को, यहाँ बनानास बहुत परफेक्ट लग रहा है कंपेयर टू क्लिंक और बिना क्लिंक वाले दोनों बनानास के कंपेयर में। आप भी देख सकते हैं जिसे मैंने रैप नहीं किया था उसमें थोड़े ज़्यादा ब्राउन स्पॉट्स हो गए हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं क्लिंक रैप वाले उसमें भी ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं लेकिन थोड़े से कम है, और जो हमारा ग्रीन बैग वाला था उसमें तो ब्राउन स्पॉट्स और भी कम है। तो अगर सक्सेसफुल कहा जाए तो हमारा ग्रीन बैग वाला बनाना सक्सेसफुल रहा। अब ग्रीन बैग की जगह एथिलीन गैस को कम करने वाला एक और प्रोडक्ट आता है जो है ब्लू एप्पल, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि एल्युमिनियम फॉइल में किस तरीके से हमें रैप करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एल्युमिनियम फॉइल में भी रैप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एथिलीन गैस को कम करने वाला बैग या फिर ब्लू एप्पल नहीं है तो आप आराम से एल्युमिनियम फॉइल या फिर प्लास्टिक रैप के थ्रू भी बनाना को थोड़े लंबे समय के लिए फ्रेश रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे बनानास को अलग अलग एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके रख दिए हैं। तो चलिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ,
अगर आप बनाना को फ्रूट बास्केट में रखते हैं तो ट्राई करें कि उसे फ्रूट हैंगर में ही हैंग करके रखें। मार्केट में बहुत सारे फ्रूट हैंगर आते हैं, लेकिन वैसा वाला फ्रूट हैंगर बाय करें जिसमें सिर्फ हम इंडिविजुअली बनाना को हैंग करके रख सकते हैं, जिससे हमारे बनाना के जो एथिलीन गैस होते हैं वो दूसरे फ्रूट्स को ओवरराइप न करें। जैसा आपको ये वाला दिख रहा है पिक्चर में, वैसा वाला फ्रूट बास्केट ना बाय करें। और अगर आपके घर में इस टाइप का फ्रूट बास्केट है तो आप ट्राई करें कि बनानास को किसी और फ्रूट बास्केट में रखें। होप सो आपको बनानास के रिलेटेड रैपिंग के जो मेथड होते हैं उसके पीछे की जो साइंस होती होगी वो समझ आ गए होंगे, और मैंने ट्राई किया कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में इसे क्लियर कर सकूँ। बनाना को हम रेफ्रिजरेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ उस कंडीशन में जो बनाना के पील यानी कि उसके छिलके हैं वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं, लेकिन अंदर से बनाना बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल भी मशी नहीं होगा। तो अगर आपको वैसे बनाना से कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक बनाना से, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। पर्सनली मुझे इस टाइप के बनाना पसंद नहीं है। कई बार हमारे बनानास ओवरराइप हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें ओवरराइप बनानास खाना पसंद नहीं है। इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा ओवरराइप बनानास खाने पसंद नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं इसका भी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रहे मेरे ओवरराइप वाले बनाना, और इसे मैं स्लाइस करके एक सिलिकॉन मैट में लाइन कर रही हूँ। आप सिलिकॉन मैट की जगह पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे ओवर राइप वाले बनानास होते हैं वो बहुत ही स्वीट रहते हैं, और इस तरीके से मैंने बनाना स्लाइस को स्प्रेड कर दिया है सिलिकॉन मैट पर, और इसे मैं फ्रीज करने के लिए रख रही हूँ लगभग 2 घंटे। तो 2 घंटे के बाद जब हमारे बनानास फ्रोज हो जाए तो इसे हमें स्टोर करके रखना है फ्रीजर सेफ जिप लॉक बैग में, या फिर आप कोई भी फ्रीजर सेफ बॉक्स में भी इसे स्टोर करके लगभग 4 से 5 महीने तक आराम से रख सकते हैं फ्रीजर में। और इस फ्रोजन बनाना से हम बहुत सारे रेसिपीज बना सकते हैं, लाइक स्मूदीज, बनाना ब्रेड, या फिर बनाना आइसक्रीम बना सकते हैं। मैं हमेशा अपने फ्रीज में जब भी समर सीजन आता है तो बनाना को फ्रोज करके रख लेती हूँ, और पूरे समर हम इस फ्रोजन बनाना से स्मूदी या फिर बनाना ब्रेड इंजॉय करते हैं। और अगर आपको स्मूदी या फिर बनाना ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक और मोस्ट पॉपुलर फ्रूट की, वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आई थिंक सो एक ऐसा फ्रूट है जिसे बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और इसे स्टोर करके रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो इसे स्टोर करने से पहले आप स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश कर लें। वैसे तो कोई भी बेरीज को अगर आपको लंबे समय तक फ्रेश रखना है तो उसे बिल्कुल भी वॉश नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल जैसा आप सबको पता है कि हम कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं तो उसे वॉश जरूर कर रहे हैं। तो वॉश कर ले इसे और उसे अच्छे से पैट ड्राई कर ले। और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि मैंने एक बॉक्स ले लिया है, और उस बॉक्स में मैंने किचन पेपर टॉवल को लाइन करके रख लिया है। उसके बाद मैंने एक एक करके स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छे से पैट ड्राई कर लिया है किचन पेपर टॉवल में, और इसे मैंने लाइन से अरेंज करके रख दिया है। इसके बाद मैंने एक और फिर से किचन पेपर टॉवल रख दिया है। अगेन मैंने बचे हुए स्ट्रॉबेरी को अच्छे से पैट ड्राई करके अरेंज करके रख दिया है। स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का जो एक मेन ट्रिक होता है वो ये है कि स्ट्रॉबेरी को हमेशा बिल्कुल कोल्ड और ड्राई ही रखना चाहिए ताकि उसमें मोल्ड न लग सके, और हमेशा इसे एयर टाइट बॉक्स में ही स्टोर करके रखें। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बनाना को हम फ्रीज करके रख सकते हैं, और सेम उसी तरीके से हम स्ट्रॉबेरी को भी फ्रोज करके रख सकते हैं, और फ्रोजन स्ट्रॉबेरी को स्टोर करने का भी वही सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बनाना को दिखाया। 6 आवर के बाद जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख दें। यहाँ पे मैं अभी फ्रेश स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके नहीं रख रही हूँ क्योंकि अभी पीक सीजन नहीं है। जब पीक सीजन आता है तब मैं स्ट्रॉबेरी को फ्रोज करके रख लेती हूँ, और अगेन फ्रोजन स्ट्रॉबेरी से मैं स्मूदी या फिर शॉर्ट केक ऐसे सारी चीज़ें बनाती हूँ। अब 7 डेज हो चुके हैं और हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी के क्या कंडीशन है। स्ट्रॉबेरी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉबेरी में मोल्ड नहीं लगा है। हाँ, उसके जो किचन पेपर टॉवल थे वो थोड़े से मॉइस्ट हो चुके हैं जिसे मैं रिप्लेस कर दूंगी। और आप कभी भी स्टोर करते हैं स्ट्रॉबेरी को या फिर कोई भी फ्रूट्स को, तो
तो बीच में जरूर चेक कर ले कि कहीं उसमें मोल्ड तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर उसमें मोल्ड आ जाए तो उसे तुरंत डिस्कार्ड कर दे। और यहाँ पे ये 7 डेज के बाद तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, आगे भी ये कुछ दिनों तक फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट है ब्लैक बेरीज, और ब्लैक बेरीज को भी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। और सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे वॉश करना चाहिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब इसे अच्छे से वॉश कर ले उसके बाद हमें यहाँ पे किचन पेपर टॉवल या फिर कोई भी क्लॉथ नैपकिन से अच्छे से पैट ड्राई कर लेना है। इसके बाद हमें एक एयर टाइट बॉक्स लेके उस पर किचन पेपर टॉवल का लाइन कर लेना है और उसके ऊपर हमें स्प्रेड कर लेना है ब्लैकबेरीज, जिस तरीके से हमने स्ट्रॉबेरी को किया सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो अब देखते हैं 7 डेज के बाद, यहाँ पे किचन पेपर टॉवल बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो चुके हैं, इवन आप देखेंगे कि ब्लैकबेरी के जूसेस भी किचन पेपर टॉवल में लग चुका है। लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए तो मुझे किसी भी ब्लैकबेरीज में मोल्ड या फिर कोई भी ब्लैकबेरी बिल्कुल भी मशीन नहीं लग रहे हैं और ये आगे कुछ दिन और लंबे फ्रेश चलेंगे। और इस कंडीशन में हमें किचन पेपर टॉवल को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं फ्रेश किचन टॉवल पेपर स्प्रेड कर दूंगी। लेकिन आप ट्राई करें कि जब भी बेरीज लेके आते हैं तो उसे बहुत ज्यादा लंबे समय तक न रखें, फ्रेश ही कंज्यूम कर लें।